प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सामना सवालों का। और आज हमारे सवालों का सामना करेंगे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी। बराला साहब आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा। धन्यवाद रोहित जी। बराला साहब चुनाव आ गए हैं तो क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार? क्योंकि जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी तो कहा जाता था कि बीजेपी का संगठन नहीं है, लहर पर सवार होकर बीजेपी आई, तो क्या संगठन तैयार है इस बार? देखिए रोहित जी, आपने बहुत नजदीक से जी जो हमारी 5 साल की सरकार है इसके कार्यकाल को देखा है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली है और इसी प्रकार से केंद्र की सरकार चली है, तो एक तरफ हमारी सरकार चलती रही, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी। और जिस चुनाव की तैयारी की आज आप बात कर रहे हैं, उस चुनाव की तैयारी पिछला जो चुनाव लड़कर के हमारी सरकार बनी उसके तुरंत बाद से अगली जो व्यवस्थाएं हैं उनको पार्टी ने संभाल करके और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था जी। हमारी तो एक तैयारी समाप्त होती है तो दूसरी तैयारी शुरू हो जाती है जी। तो शुरू से लेकर के अब तक सरकार और संगठन जो उसका तालमेल होता है वहाँ से लेकर के और सरकार की नीतियाँ, सरकार की योजनाएं, जन कल्याण के जो काम होते हैं जनता तक लेकर के जाना, उनकी जानकारी देना और उनको लाभ उनका जनता तक पहुँचे इस बात का प्रयास करना, इन बातों से लेकर के और संगठन का एक एक कार्यकर्ता काम के अंदर लगे जी, इस बात का जो प्रयास हमारा रहता है वो लगातार अब तक जारी है। और अब तो हमने, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में हम लोग संगठन की दृष्टि से जो जिला है, जिले के नीचे हमारी मंडल की इकाई है, उसके नीचे 4-5 बूथ के ऊपर एक शक्ति केंद्र है और फिर उसके अंदर एक बूथ जो है, हम बूथ अध्यक्ष तक पिछली और बूथ की इकाई तक पिछली बार पहुंचे थे हम। इस बार तो हम संगठनात्मक रूप से जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बूथ के नीचे जो बूथ की लिस्ट होती है, एक एक उसका पन्ना होता है, किसी बूथ में 8 पन्ने हैं, किसी में 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, पन्ना प्रमुख, एक एक पन्ना एक एक कार्यकर्ता के हाथ में पकड़ा करके वहां तक तैयारियां हमने कर ली है, ये हमारी संगठन की तैयारी है। और दूसरा मासिस में यानी कि जनता के बीच में हम लोग शुरू से हैं, मुख्यमंत्री जी शुरू से हैं और 18 अगस्त से लेकर के और 8 सितंबर तक जो मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा रही और समापन के ऊपर पन्ना प्रमुखों समेत एक बड़ा सम्मेलन हरियाणा प्रदेश में हुआ, एक रैली वहां पर हुई जिसको मोदी जी ने संबोधित किया, तो ये सारी की सारी हमारी तैयारियां जनता के बीच में और संगठन की, संगठन और सरकार के तालमेल की, ये सारी तैयारियां हमारी लगातार ठीक है। बराला साहब, इस बात को हम मानते हैं कि आपने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नए तरीके से गढ़ा, ठीक है आपका संगठन था लेकिन उसको नए तरीके से गढ़ा, उसकी व्यूह रचना की गई, लेकिन जो इतना बड़ा आपने संगठन खड़ा किया, अब टिकट की लाइन में एक एक सीट पर आपके 12-12 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो टिकट आपके जब आएंगे तो बगावत का डर नहीं सता रहा आपको? आपने तो संख्या थोड़ी बताई है राहुल जी, रोहित जी जी, ये संख्या बड़ी है जी। और मैं एक बात और कहता हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट के चाहवान हैं जी, इसमें वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करते हैं, उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांत, उसको साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं, बेशक वो पुराने से पुराना कार्यकर्ता हो, वो उस समय का कार्यकर्ता भी है जब भारतीय जनता पार्टी की जीत की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं दिखाई देती थी। पुराना साहब, जो दूसरे दलों से लोग आपके पास आ रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से अचानक प्रेम जाग गया है आजकल, अगर कल की बात करें, 2-3 लोगों को आपने ज्वाइन करा पिछले 2-3 दिनों में, तो वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो उनकी इच्छाएं पूरी कैसे, उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे आप? चाहे हम कैलाश सैनी की बात करें, दुड़ाराम की बात करें, अब इनको भी भारतीय जनता पार्टी से प्रेम जाग गया है। देखिए रोहित जी, मैं एक बात बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी से प्रेम कब जागेगा? जो लोग केवल चुनावी राजनीति में विश्वास रखते हैं वो लोग तो जब चुनाव लड़ करके किसी पार्टी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना करके और हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, तभी इस प्रकार के आम आदमी का, राजनीतिक लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति बढ़ता है और दृढ़ होता है। कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो संगठन के विचार को लेकर के सालों साल तक, जैसे मैंने बताया, चलते रहे, और इस प्रकार के जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने देख लिया, उन्होंने परख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। देखिए आप, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी कहा था, एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान जी, यानी कि 2 प्रधान नहीं चलेंगे जी।
उस समय कोई ताकत नहीं थी इस पार्टी की, जनसंघ के रूप में काम करते थे, जनता पार्टी बनी, केवल 2 सीटें आई, लेकिन जिस दिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया उस दिन वो काम करके दिखा दिया। तो ऐसे सब लोगों को ये अब एक किस्म से उनके सामने प्रमाणिक ये बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर करके दिखाती है, इसलिए ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं जी, कभी भी आए, लेकिन आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मान करके भारतीय जनता पार्टी में आए, इसलिए कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं। आपने बराला साहब साफ कर दिया कि किसी सांसद के किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा, जिला परिषद के जो लोग हैं या मेयर हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या पार्टी इस पर अडिग है आपके? देखिए ये बात मैंने इसमें कुछ बातें जोड़ी है जी, जो हमारी चुनाव समिति में उससे पहले कोर ग्रुप में तय हुई थी कि निगम के जो मेयर हैं और जिला परिषद के चेयरमैन चेयरपर्सन हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे। जो बाकी जो बात है सांसद विधायक मंत्री इनके परिवार में टिकट देना, ये तो पार्टी का हमारी राष्ट्रीय टीम का राष्ट्रीय नेतृत्व का पहले से फैसला है जी, उसी के आधार पर उसके अंदर मैंने जो जो बातें हमारी टीम में तय हुई वो जोड़ी हैं और इस आधार पर टिकटों का वितरण होगा और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपने बात की तो पहले से आपका पिछले चुनाव में भी इस तरह का स्टैंड था कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अगर हम उचाना से विधायक है उनकी बात करें, उनके पति सांसद हैं राज्यसभा से, बेटे सांसद हैं लोकसभा से, खुद वो विधायक है, मौजूदा विधायक हैं, तो क्या उन पर भी ये नियम लागू होगा? देखिए निश्चित रूप से इस बात की चर्चा होनी चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल कई बार निकल करके आता है जनता के बीच में, सर आप जैसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट इसको रखते हैं, रखना भी चाहिए, जनता तक बात जानी भी चाहिए। देखिए जब लोकसभा का चुनाव था ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व कुछ इस प्रकार के जो जिनका प्रशासनिक अनुभव है उन लोगों को भी सदन के अंदर लेकर के आना चाहते थे जी। जब ये चर्चा आई तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने खुद अपना रिजाइन केंद्रीय नेतृत्व को दिया जी, कि अगर इस प्रकार की जो शर्त है उसको मैं भी मानूंगा। उन्होंने मंत्री पद और अपने सांसद जो राज्यसभा के सांसद हैं उससे इस्तीफा वो दे चुके हैं। ये अलग बात है कि रणनीतिक रूप में कुछ जो फैसले राज्यसभा के अंदर होने होते हैं उसके दृष्टिगत वो उस समय स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी तरफ से इस्तीफा दे चुके हैं जी। एक बात ये हुई जी। दूसरी बात ये है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे 47+1 ये 48 और 15 अन्य हमारे साथ विधायक जुड़े हैं, निर्दलीय विधायक, दूसरे दलों से विधायक जुड़े, इन सब के बारे में जो फैसला जो सिटिंग विधायक हैं जी उनके बारे में जो फैसला होगा वो फैसला सबके लिए होगा, उसमें उचाणा सीट भी उसी के अंतर्गत आती है जी। तो बराला साहब ये जो लोग आपका साथ जिन्होंने दिया, चाहे वो निर्दलीय थे चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग थे, 5 साल वो आपके साथ खड़े रहे चट्टान की तरह, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक बेचैनी नजर आती है कि उनको उनसे जब हम बात करते हैं कि तो कहते हैं कि नहीं हमें भरोसा तो है बराला जी के ऊपर, भरोसा है पूरा मुख्यमंत्री जी के ऊपर, लेकिन अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात का कोई पता नहीं। देखिए ठीक बात है, और जब किसी चीज़ का इंतजार होता है तो बेचैनी होती है। हम कहीं रेलवे स्टेशन पर किसी रेलगाड़ी का इंतजार करते हैं, कहीं एयरपोर्ट पर किसी एरोप्लेन का इंतजार करते हैं और वो लेट हो जाती है तो बेचैनी तो उसमें भी होती है जी। ये स्वाभाविक है जी। और ये बेचैनी टिकट की बेचैनी भी थोड़ी सी अलग तरह की है, स्वाभाविक है जी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में काम करती है और टिकटों का वितरण एक अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी में होता है, तो अब ये सारी की सारी बातें, क्योंकि हमारी हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, ये सब टिकट के चाहवान हमारे साथियों को पता है इस बात का, और ये भी पता है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ यानी कंसीडर आप उनको करेंगे, कंसीडर उनको करेंगे, बातें जा चुकी हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व ने अंततोगत्वा फैसला करना है किसके बारे में करेंगे और कब करेंगे, ये सारा उनके क्षेत्र में, इसलिए बेचैनी उनकी है तो बेचैनी हमारी भी है। लेकिन आप कंसीडर उनको करेंगे जिन लोगों ने आपका साथ दिया? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिस कार्यकर्ता ने चाहे वो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है या 20 दिन से खड़ा है, विचार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के बंधा है, ऐसा हर योग्य कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने में सक्षम हो, उसकी इच्छा हो, ऐसे हर कार्यकर्ता के ऊपर, नेता के ऊपर विचार किया जाता है और किया हमारी चुनाव समिति ने। ठीक है बराल साहब, एक थोड़ा सा अलग सवाल, क्या आपको लगता था, क्योंकि आपने तो संगठन का काम हरियाणा में उस वक्त किया जब भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से वजूद नहीं था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, आपका नाम उन नेताओं की फहरिस्त में आता है कि जब कुछ नहीं था तब आप काम करते थे, क्या सोचा था कभी कि ऐसा भी दिन आएगा कि जब बीजेपी के टिकट के लिए हरियाणा में एक एक सीट पर मारामारी होगी और लोग
चाहेंगे कि साहब हमें बीजेपी से जोड़ लीजिए, हमें टिकट दे दीजिए? देखिए, कल्पनाएं तो रोहित जी हर व्यक्ति करता है जी, लेकिन क्योंकि आपने एक बात ठीक कही है, जब कुछ भी नहीं था मेरे समेत ऐसे बहुत सारे आज नेता यहाँ हरियाणा प्रदेश में संगठन में सरकार में मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन एक बात और हम नहीं बोलते कभी भी, हमसे पहले जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के हमारी पीढ़ी से पहले भी बहुत सारे नेता कार्यकर्ता ऐसे रहे हैं जिन्होंने, हमने तो आज अच्छा समय देख लिया, यानी कि सरकार देख ली, सरकार के माध्यम से जो काम करना था भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार वो काम करते हुए हमने देखा है, हमने खुद किया है उसमें, और एक संतुष्टि हमने हासिल की है उसके माध्यम से। लेकिन वो लोग भी थे, मैं उनके योगदान को भी नहीं भूल सकता कि वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लेकर के आए। इसलिए जब पीछे मुड़ करके हम देखते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बलिदान जिन्होंने समय का, अपने परिवार का, पता नहीं कैसे कैसे दिए वो लोग, और उन्हीं के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुँची है। और जहाँ तक मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं 1996 में भारतीय जनता पार्टी में आया था और 1998 में विधिवत मुझे पद मिला, युवा मोर्चा में जिले के सचिव की मुझे जिम्मेवारी मिली, उसके बाद फिर अलग अलग पदों के ऊपर काम किया। लेकिन ये उस दौर की बात है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रकार के लोग जुड़ते थे, वो केवल विचार को लेकर के जुड़ते थे, सत्ता आएगी नहीं आएगी इस बात का कहीं कोई सवाल नहीं था जी, इसलिए कभी कल्पना नहीं करी थी, मैं कह रहा हूं कि ये दिन भी हमारे लिए आएगा। हाँ, ये जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जो हमारा एक अलग तरह का राजनीतिक दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन, और उन्होंने गरीब के भलाई के लिए, गरीब के उत्थान के लिए जो अंत्योदय का मंत्र दिया, उसके आधार पर पार्टी काम करेगी, हमने ये कल्पना जरूर की थी। लेकिन आज जिस प्रकार से लोग चारों तरफ टिकट का और का ये करने के लिए आते हैं, इस बात की हमने कभी कल्पना नहीं करी। 29 तारीख को ये पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी एक साथ, यानी पूरी सूची एक साथ आ जाएगी या नहीं? 29 की तो वैसे संभावना के रूप में कोई एक बात निकल करके आई है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये तो मैं बताया ना, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा, 29 को करेंगे, 30 को करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि संसदीय बोर्ड जब बैठेगा कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी जो बातें होती हैं हरियाणा की चुनाव समिति में जो तय हुई हैं, और केंद्रीय नेतृत्व के सामने बहुत सारी बातें हम लोग रख चुके हैं, पूरी टीम रख चुकी है जी, तो जब भी कोई फैसला होगा मुझे लगता है बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व करेगा जी। तो बराला साहब, ठीक है, आपका कहना है कि बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा, 29 को भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि कई जो मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग विधायक जी, उन पर भी तलवार लटकी हुई है, वो भी कई बेचैन घूम रहे हैं। देखिए, इसको आप थोड़ा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, मैं दूसरी तरीके से इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे विधायक है या हमारा कोई भी अन्य कार्यकर्ता है जो टिकट की इच्छा रखता है, तो सब लोगों के ऊपर समान रूप से विचार किया जा रहा है, और जो वर्तमान की स्थिति है, चाहे विधायक की या किसी पदाधिकारी की है जी, उस वर्तमान की राजनीतिक स्थिति, उस विधानसभा क्षेत्र की, उसके आधार पर हमने चर्चा करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है सारा मामला। अब उन्होंने देखना है कि उसके आधार पर किसको चुनाव लड़वाते हैं, किसको नहीं लड़वाते, कोई विधायक चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता है, ये सारी बातें अब हरियाणा प्रदेश के अख्तियार से बाहर है, और अब केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय कर, यानी परफॉर्मेंस एक बड़ा क्राइटेरिया जरूर रहेगा, परफॉर्मेंस जरूर देखेंगे आप विधायक। तो मैं ये सवाल अगर आपसे पूछूं कि परफॉर्मेंस आधार रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, क्या जवाब होगा आपका? बिल्कुल, परफॉर्मेंस आधार रहनी चाहिए, रहना ही चाहिए, ये भी हमारा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना भी है और पार्टी का भी यही मानना है, और इसी के आधार पर पार्टी काम भी करती है। ठीक है, सुभाष बराला जी, आप जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, आप हरियाणा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष उस वक्त बने जब प्रदेश में आपकी सरकार जी, और अभी जितना आपका अब तक का कार्यकाल रहा, सुभाष बराला कभी विवादों में नहीं रहे जी। तो बड़ा सवाल अभी है कि जब टिकट आवंटन के बाद जो स्थिति पैदा होगी, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपने अपने संगठन को उसके लिए तैयार रखा है? क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा, और हरियाणा के अगर हम सियासी इतिहास की बात करें तो आपके सामने तस्वीर है कि टिकट नहीं मिला तो ठीक है, हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे, कोई दूसरे घर का दरवाजा खटखटाएगा। बात आपकी ठीक है रोहित जी, और ये एक मानव स्वभाव भी है, इसलिए मुझे इस बात का आभास है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है
क्योंकि इन 5 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता मैं उनको कहता हूँ, ऐसा कार्यकर्ता मिलता नहीं है इस प्रकार की किसी भी राजनीतिक पार्टी को, नहीं मिलता है जिसको लगता है कि यार सरकार कभी बनेगी कि नहीं बनेगी, कभी सत्ता के नज़दीक भी आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी जो पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, उस प्रकार की टीम जब साथ खड़ी हो और मजबूती के साथ खड़ी हो तो इस प्रकार की कोई भी चिंता रहती नहीं है। ठीक है, ये तो आपके कार्यकर्ताओं की बात हुई जो जिनकी स्कूलिंग आपकी तरह हुई है या जिनकी स्कूलिंग आपने करवाई है, लेकिन इस वक्त हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, अगर आप चाहें तो मैं लिस्ट गिनवा दूं, मुझे लगता है आधा घंटे का वक्त भी कम पड़ जाएगा उसके लिए, वो विचार से नहीं, वो सरकार से जुड़े यानी सत्ता से जुड़े, और उन लोगों का इतिहास विकास ऐसा रहा राजनीति में कि जहां सत्ता वहां हम, आपकी तरह नहीं, आपका विचार नहीं कि जहां कम वहां हम वाली स्थिति नहीं, उनका सीधा मंत्र रहा है जहां सत्ता वहां हम। तो ऐसे लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता तो आपको नहीं लगता वो परेशानी बढ़ाएंगे आपकी? बराला साहब देखिए, एक सामान्य अगर स्थिति की बात करें, किसी और दल की बात करें, तो आपका सवाल बड़ा वाजिब है, ठीक है, मानव स्वभाव होता है और वहाँ दूसरी प्रकार का राजनीतिक वातावरण होता है जिन दलों से वो लोग आए हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं वो सोच समझ करके आए हैं जी, वो सोच समझ करके आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार का कोई मौका नहीं आएगा कि किसको टिकट मिले किसको ना मिले, उस प्रकार की ऐसी स्थिति जो नए आने वाले लोग हैं उनके साथ भी कहीं हो, उनको भी, क्योंकि इतने दिन से वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विचार के संदर्भ में उनको जानकारी मिली है, उन्होंने समझा है सोचा है, इसलिए वो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के अंदर रच बस गए हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है बराल साहब, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस दावा कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनका कहना बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होने वाली, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए ठीक कह रहे हैं हुड्डा साहब, अगर ये बात नहीं कहेंगे तो फिर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को साथ खड़ा करेंगे? अगर वो ये कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तो सफलता ही सफलता है, नाकामी कोई भी नहीं है, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी कांग्रेस। लेकिन हरियाणा की जनता रोहित जी हर बात का विश्लेषण करती है। आज के दिन जिस प्रकार से आपका, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप जो लोग हैं जो एक सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जो भूमिका निभाते हैं जी, सब लोग मिलकर के, इनके माध्यम से सारी जानकारियां जनता तक जाती हैं। हमारे कार्यकर्ता भी लगातार पार्टी के रीति नीति सिद्धांत और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां उनको जनता तक पहुंचाते हैं, एक एक बात पहुंचाते हैं। हाँ, हुड्डा साहब जरूर नाकामी बताएंगे क्योंकि उनकी कामयाबियां कुछ अलग तरह की थी, वो कामयाबियां हमने हासिल नहीं की, उनके हिसाब से तो हम नाकामयाब हैं, क्योंकि ना तो हम CLU दे करके कुछ मोटा माल बटोरने में कामयाब हुए क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं थी, ना हम हमारे परिवार के लोग हमारे रिश्तेदारों को गलत तरीके से नौकरियां दे करके या अपने लोगों को नौकरी बेचने की छूट दे करके उनको लाभ दे पाए, इसमें भी हम नाकाम हुए। हम लोग जो ई टेंडरिंग की प्रोसेस हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हरियाणा प्रदेश में, उसके माध्यम से जो पहले जो बंदर बांट होती थी ठेके देने में और देने में, और उसके माध्यम से जो सामान बटोरा जाता था उसमें भी हमने कामयाबी हासिल नहीं की। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें हम कामयाब नहीं हुए, ये नाकामयाबी उनको दिखती है, ये नाकामयाबी जनता को भी दिखती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हुड्डा साहब को दूसरी जो चीज़ें हैं शायद उसका दूसरा पहलू दिखता नहीं है। हुड्डा साहब को ये नहीं दिखता कि वो, अगर मैं ज़्यादा नहीं तो चौटाला साहब की जो सरकार थी जी, 2000 के बाद की बात करूं जी, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 5 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल अगर देख लें, वैसे वो 10 साल रहे, लेकिन 5-5 साल की तुलना, क्योंकि हमने तो 5 साल ही राज किए ना जी, 5 साल हमारे, 5 साल हुड्डा साहब के, 5 साल चौटाला साहब के, 2000 से बाद के, अगर इनकी तुलना करें, आप आकलन करिए कि 8 से 10 हजार शायद नौकरियां चौटाला साहब दे पाए थे, 10-12 हजार हुड्डा साहब दे पाए, उनमें से भी बहुत सारी नौकरियां कोर्ट में जाकर के अटकी लटकी, क्योंकि वहां भेदभाव था, नौकरियां बिकी थी, गलत तरीके से नौकरियां दी गई थी, मेरिट कहीं नहीं थी, लेकिन यहां मेरिट के आधार पर नौकरियां तो दी गई,
और 68-69 हजार बच्चे अब तक सरकारी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं शुरू से लेकर के अब तक। उनके समय के भी बहुत सारे औद्योगिक सुरक्षा बल और इस प्रकार के बहुत सारे नौजवान जो सड़कों पर आए थे चौटाला साहब के समय के नौजवान, उनको भी हमारी सरकार ने किसी न किसी रूप में समायोजित करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे लोग नौजवान जिसका जिनका भविष्य सुरक्षित हुआ है वो उनके राज से कई गुना है। ये हुड्डा साहब को ना दिखे तो बड़ी अच्छी बात है, इस गलत फहमी में वो रहे। हुड्डा साहब को हमारी सरकार ने जो टेल के ऊपर पानी पहुंचाया जी, वो अगर हमारी कामयाबी नहीं दिखती तो ये भी अच्छी बात है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने टेल के ऊपर पानी पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई थी, आज वहां पानी हमने दिया। दक्षिण हरियाणा का हमारा जो किसान है जहां पानी कम जाता है वहां पर दो मुख्य फसलें रबी की हमारी सरसों की, खरीफ की बाजरे की। इन फसलों की सरकारी खरीद नहीं होती थी रोहित जी हरियाणा में, अगर आपने कभी विश्लेषण इस बात का किया हो कृषि क्षेत्र का। हमारी सरकार ने पहली बार जो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है इन फसलों का, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर ये फसलें खरीदी, वरना ओणे पौने दामों में किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये उनको हमारी कामयाबी दिखाई नहीं देती। हुड्डा साहब के समय में अधिकतम शायद मुआवजा किसान की फसल खराब होती थी शायद 5 या 6 हजार रुपये प्रति एकड़ था, लेकिन मिलता था 25-50 के चेक मिलते थे, हरियाणा की जनता जानती है। लेकिन इस सरकार ने, हमारी सरकार ने, मनोहर सरकार ने, वो जो मुआवजा है अगर आपकी 100% फसल खराब हो जाती है तो 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मिले, ये कामयाबी उनको दिखाई नहीं देती है। हमारी सरकार ने किसान के लिए फसल बीमा योजना लागू की और अब तक हरियाणा प्रदेश का रिकॉर्ड है, आप पिछले कई सालों का किसान का मुआवजा चाहे वो डायरेक्ट सरकार ने दिया हो या फसल जो बीमा कंपनियां हैं उनके माध्यम से मिला हो, कई गुना किसान की जेब में पैसा गया है रोहित जी, ये चीजें उनको दिखती नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे कि INLD और JJP कितनी बड़ी चुनौती आप इन्हें मानते हैं, क्योंकि अभी अगर दोनों की रैलियों की बात करें, दोनों ने रैली की, INLD की कैथल में रैली थी तो कल ओम प्रकाश चौटाला भी उस रैली में आए, उन्होंने दिया कि इस बार तो वनवास खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ देंगे। ठीक कह रहे, अभय चौटाला ने भी यही बात कही। ठीक कह रहे रोहित जी, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपने चौधरी देवीलाल की रैलियां देखी है ना, देखी भी होंगी सुनी भी होंगी जी। जो भारतीय जनता पार्टी ने रैलियां की हैं, अभी 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी आए या उससे पहले आए नरेंद्र मोदी जी, उतनी बड़ी बड़ी रैलियां चौधरी देवीलाल करते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी करते थे, क्या कभी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बिना बना पाए? वो लोग नहीं बना पाए ना। चौधरी देवीलाल से लेकर के चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, कभी भी हरियाणा प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो बड़ी बड़ी रैलियां करने वाले कभी भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बना पाए जी। जींद का उपचुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में आती है, वो दल भी मैदान के अंदर आते हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियां करने वाले दल आते हैं मैदान के अंदर, और सुरजेवाला साहब कांग्रेस के उम्मीदवार, और ये देखिए आप उस समय का अगर दृश्य आपको ध्यान में, हरियाणा की जनता को तो ध्यान में है बिल्कुल, तो अगर वो आप चित्र अगर आप उसका दृश्य ध्यान में करेंगे तो सुरजेवाला साहब को मैदान में लेकर के आने वालों में राहुल गांधी जी ने किन किन को भेजा? हुड्डा साहब को भेजा, किरण चौधरी को भेजा, अशोक तंवर को भेजा, ऐसे तमाम बड़े नेता सबको भेजा था। 900 वोट से जमानत जब्त हुई थी इन बड़ी बड़ी रैलियां करने वालों, बची थी केवल 900 वोट से रणदीप सुरजेवाला अपनी जमानत बचा पाए थे। बड़ी बड़ी रैलियां करने वालों में से ये भी है, बड़ी बड़ी रैलियां करने वालों ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, पिता पुत्र भी हारे, उनके प्रदेश के अध्यक्ष भी हारे, उनकी CLP की लीडर किरण चौधरी जी उनकी पुत्री भी हारी, और INLD और JJP का जो हाल था, JJP मुझे लगता है शायद एक नारनौंद सीट पे थोड़ा विजय हासिल की, बाकी कहीं भी इन लोगों को कोई सफलता नहीं मिली। अब इस आधार पर जी आप भी फैसला कर सकते हैं कि क्या मानेंगे, और हरियाणा की जनता ने तो रोहित जी फैसला कर ही रखा है कि बेशक हमारी उस समय में बड़ी रैलियां नहीं होती थी, आज जनता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो रैलियां छोटी करें बड़ी करें, किसकी करें किसकी ना करें, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता का विश्वास हासिल किया है। हरियाणा की जनता को रोहित जी आपने भी बहुत नजदीक से देखा होगा जी, उन्होंने हरियाणा प्रदेश में लोकतंत्र नहीं देखा जी, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवार तंत्र देखा, उन्होंने लूट तंत्र देखा, उन्होंने लठ तंत्र देखा,
उन्होंने क्षेत्रवाद का तंत्र देखा, उन्होंने परिवारवाद का तंत्र देखा। अगर लोकतंत्र हरियाणा की जनता ने देखा तो पहली बार देखा है। हरियाणा की जनता को वास्तव में पहली बार ये लगा है कि हाँ, ऐसी सरकार भी कोई आ सकती है जो बिना भेदभाव के काम करे, मेरिट के आधार पर जो नौकरी दे। जी बराल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए। तो हमारे साथ सुभाष बराला मौजूद थे, जो उत्साह से लबरेज हैं, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो संगठन उन्होंने गढ़ा है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गढ़ा है, वो इस चुनाव में 75 पार करके रहेगा और दूसरे सियासी दलों को कोई बड़ी चुनौती ये नहीं मान रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।